मतलब तक कल तक के बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, वंदे मातरम। अभी ये वीडियो कंप्लीट है, जो सेकंड वीडियो बोल रहा था ना मैं कि एडिट, मतलब सेकंड वीडियो भी आएगी, अभी कंप्लीट है वो, एडिटिंग वगैरह कंप्लीट की है और अभी इसको रेंडरिंग के लिए लगाऊंगा, रेंडर होगी उसके बाद इसको अपलोड करूंगा। और टाइम पता कितना रखा, एक बजने वाला, 3 मिनट बाकी 1 बजने में, ठीक है। और डेट तो आपको पता, 25 होगी क्योंकि 3 घंटे आप तो आगे चल रहे हो। कंप्लीट होने के बाद अपलोड लगाऊंगा, अपलोड होने के बाद सारा जो भी मैं डिटेल्स वगैरह फिल करनी है वीडियो इसके लिए, तो वो मैं कल सुबह करूंगा, ठीक है, क्योंकि कल मेरे को काम से कहीं पे जाना भी, आपको भी साथ में लेकर चलूंगा, उसकी दिक्कत नहीं है। तो बस जो होना था ये हो गया, हो जाएगा कल सुबह तक, क्योंकि ये वीडियो लेट आएगी थोड़ी, ठीक है, अभी तक तो देख भी चुके हो गए। सो अभी इसको लगाऊंगा और अभी मैं सोऊंगा अभी, तो आप तो वीडियो देखते ही रहो भाई, देखो आगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो रात को ही उसको भाई थंबनेल वगैरह बना के उसका एडिट करके तब सोया, क्योंकि मैं सोचा कि अगर 10 बजे भी उठूंगा तो ऑलमोस्ट 1 बजे का टाइम हो जाएगा उस टाइम जब उठूंगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एडिट करके पूरा सो जाता हूँ। तो 3 बजे के करीब सोया मैं, 3:30 का टाइम हो गया आराम से, ठीक है। और अभी सोता ही रहा, तो जैसे अभी उठा तो उसके बाद जो यहाँ पे मेड है, काम करती है, उसको हम मामा बोलते हैं, तो वो अभी इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट दे के गई है। देखो इसको मैं जल्दी से अपने बेड पर कर देता हूँ सेट। इसका कंट्रोलर है 3 पॉइंट तक, 1, 2, 3, और ये पता लग जाएगा कि ऑन है या ऑफ है, ठीक है। तो इसको मैं जल्दी से सेट कर देता हूँ। हो गया ये सेट, ठीक है। अभी अपना काम जो है फ्रेश वगैरह हो लेते हैं, नहा लेते हैं, और जिस भाई के साथ जाना उसको फोन करके बुलाता हूँ, फिर सामान वगैरह लेके आते हैं जाके। हाँ, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि यहाँ पे हमारी क्रू हाउस में क्या है कि मंडे को क्लीनिंग डे होता है, तो बेडशीट वगैरह चेंज की जाती है, टॉवल चेंज किया जाता है, और साथ में जो आपका यहाँ पे दिख रहा है रूम की सफाई होती है, ठीक है, और साथ में आपका डस्टबिन की जो पॉलिथीन है वो चेंज होती है। बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। हाँ, ना तो लिया हूँ भाई, जल्दी से हो गया सब कुछ रेडी हो गया हूँ, और टी शर्ट जान पूछ के पहनी है दोबारा भाई, क्योंकि कल लॉन्ड्री का डे है, तो आज और पहन लेता हूँ, कल इसको धोने के लिए दे दूंगा, ठीक है। और विवेक भी बाहर शायद आ ही गया है, अभी के साथ जाएंगे और अपना जो सामान लेके आना वो लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो भाई बाहर ही वेट कर रहा होगा, तभी मिलवाऊंगा गाड़ी में बैठ कर हमसे। टेंशन नहीं लेने का यार, टेंशन नहीं लेने, भाईचारा मस्त है, भाईचारा भैनचारा, भाईचारा मस्त। हाँ, तो अब मिलवाता हूँ आपको विवेक भाई से। अरे कैसे हो भाई लोग, तो आज वीडियो में भी ले लिया विवेक भाई के साथ भी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं फोर्ट्सबर्ग, आटा वगैरह लेने जा रहा हूँ यार मैं, मेरे को ज़रूरत थी, क्योंकि अब भाई ऐसे जाट बने कि रोटी के बिना कुछ भी, मतलब पेट भरता नहीं किसी चीज़ से, तो आटा वगैरह लेके आना और घी लेके आना है। रोटी में तेरा भाई एक्सपर्ट है बनाने में, तो वो बना देंगे। और अभी जा रहे हैं, ऑन द वे हैं। कितना टाइम लगा थी, 1 घंटा ना? नहीं नहीं, 15-20 मिनट के करीब टाइम लगेगा तो पहुँच जाएंगे। और अगर कोई वहाँ पे अंकल, मतलब इंडियन ही हैं मोस्टली वहाँ पे, पाकिस्तानी, इंडियन, अफगानिस्तान, ये मिलेंगे आपको ज़्यादा उस एरिया में। और ये क्या वीडियो देखते रहो आप तो, ठीक है। हम अपने रास्ते पे चल रहे हैं, मेरे को गाड़ी चलाने नहीं आती इसलिए विवेक भाई को बुलाया था, ठीक है। चलो इसी बहाने आप मिल भी लिए विवेक से, वीडियो में देख लें, क्योंकि लाइव ही देखा होगा आपने, ये पूरा भाई एक नंबर का पायलट है ये। ऐसा ही भाई, ये पायलट मस्त है, बंदा भी एक नंबर का यार। 193 Open for me. Yeah. Why is it to shoot me, my man? Why not? Yeah, so YouTube channel, go and subscribe it. What? इस साइड लिखा है 12.02, जो अभी फ्यूल का रेट चल रहा है यहाँ पे, और डिफरेंट है ये सबका, मतलब जो 95 का उसका 12.22 है, और जो अल्ट्रा हो गया ना, अल्ट्रा लो सल्फर डीजल, इस पर है 12.92। हाँ, तो सबका अलग अलग, मतलब कि गाड़ी परफॉर्मेंस के हिसाब से है ना, कि परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी आएगी अगर अल्ट्रा डलवा दो, वो चीज़ है। अभी हमने 100 रेंट का डलवाया है, 8 लीटर के अराउंड आ गया, 8.3 लीटर्स। तो पेमेंट हो गई है, अब निकले भाई वापस से रास्ते पे अपने। यार मोबाइल ना, ये चीज़ है ना, कई बार होती है कि जैसे अभी भाई के साथ भी हुआ, हमने पिन कलर डाल दिया था एक बार, तो हिंदी निकल जाती कई बार। अभी भाई ने बोला कि एक बार देना मशीन, तो कई बार होता है, मतलब दिमाग में अपना नेटिव लैंग्वेज तो हिंदी है ना, और अब बचपन से वही बोली आ रहा हमने, तो इसलिए चीज़ हो जाती है। और हाँ, चीज़ और दिखाता हूँ आपको, मास्क कैसे पहना। यहाँ नेशन को एड्रेस किया था तो उन्होंने मास्क पहनना सिखाया था, गलती सुन ऐसे हो गया था, ठीक है। तो मास्क ऐसे भी पहन सकते हो
पूरा मुंह ढक गया देखो, कोरोना वायरस कहीं से नहीं घुसेगा। और सामने जो दिख रहा है ना आपको, वो एविएशन म्यूजियम है। उसकी वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे साइड आई बटन पे लिंक आ जाएगा। तू गया एविएशन म्यूजियम इसमें कभी? अंदर तो गया हूँ कॉकपिट में। कॉकपिट में तो मैं बड़े वाले के कॉकपिट में नहीं गया, 747 के गया हूं, एसपी। वो बंद था सालों ने, वो बंद कर रखा था, खुलवाया था। चलो एक चीज़ तो अच्छी लगती है मेरे को यहाँ पे, मतलब कि सिग्नल पे लोग रुकते हैं, फिर भी थोड़ा इंडिया से फ़र्क है। वरना बाहर देखोगे ना अपने इंडिया में कि पुलिस वाला नहीं है निकल भाई, पुलिस वाला खुद ही छोड़ देता है। ठीक है, प्रोफाइल नहीं करते, ठीक है, मानना चाहिए रेगुलेशन का, अपनी सेफ्टी के लिए दौड़ना है। लेकिन लोग ये चीज़ सोचते नहीं है ना, अभी जैसे लॉकडाउन को भी लेके क्या होता है कि हाँ क्या है, गाँव में आज भी लोग ऐसे हैं कि हमारे साइड में ये सोचते हैं कि हमें वहाँ कोरोना वायरस हुआ। हाँ ये तो है, काफ़ी है। और इस साइड से जाओगे ना तो अपना स्कूल आ जाएगा इस साइड से, और ये इस साइड पीछे पूरा रैंड एयरपोर्ट है। जो विवेक है वो इस बिल्डिंग में रहता है इस साइड का। बाल को इग्नोर करना सब दाढ़ी बड़ी हो गई है, कुछ बड़ी हो गई है लॉकडाउन। और मैं भी ट्राई करूँगा कि आगे लॉकडाउन जैसे खुलता है ना प्रॉपर तरीके से, तो आपको पूरा साउथ अफ्रीका घुमाऊँगा। कोशिश तो यही करूँगा कि यहाँ पे काउचसर्फर के घर पे रुकूंगा, जो होस्ट है ना काउचसर्फिंग के, उनके होस्ट के घर पे रुकूंगा, ट्राई करूंगा और लोकल से मिलवाऊंगा। प्लस में यहाँ का फूड, जो लोकल फूड है वो, प्लस में ट्रांसपोर्टेशन का क्या फंडा है यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, ये सब कवर करने की कोशिश करूँगा। टूरिस्ट प्लेस कौन से हैं, क्योंकि जोबक में घूम सकता हूँ अभी तो जोबक के टूरिस्ट प्लेस वगैरह दिखा दूंगा आपको। बाद में कभी केप टाउन वगैरह साइड जाना हुआ फ्लाइट लेके जा सकता हूँ, क्योंकि इतनी दूर पर ऐसी तो गाड़ी लेके तो मुश्किल है। तो फ्लाइंग करते करते आप जाएंगे तो वहाँ पे घूम लेंगे और वहाँ पे आपको बता देंगे, ठीक है। I want you straight up. I want you straight up. I want you straight up. Don't want you made up. I want you straight up. No filter. सिटी में आ गए, मतलब कि इसको बेडफोर्ड भी बोलते हैं, जोहान्सबर्ग बोलते हैं इस एरिया को। तो यहाँ पे मतलब कि मुस्लिम और ये सब ज़्यादा रहते हैं, मुस्लिम में जाके पाकिस्तानी हो गए, अफगानिस्तानी लोग हो गए, ये सब ज़्यादा रहते हैं। और यहाँ पे आपको इंडियन फूड भी मिल जाएगा, आप कुछ भी खाना चाहो इंडियन आइटम मिल जाएंगे, जैसे आटा वगैरह लेने हैं, घी वगैरह लेने हैं तो वो सब मिल जाएंगे, स्वीट्स मिल जाएंगे आपको इंडिया से रिलेटेड। जगह बहुत अच्छी है मतलब कि, लेकिन क्राइम रेट भी है, तो इस चक्कर में Yeah, too many half-truths, I just have to Sick of your fibbing, I'm sick of your fiction All of it, nothing but figments And I used to listen, but I know better now So this time it's different Yeah, I can see right through your bullshit I want the truth, by the time you told it Kiran, here is a local shop, when the coronavirus lockdown is going on So it's all closed here Here is a local shop ये भाई थोड़ा ज़्यादा ही घूमा है तो इसको कुछ ज़्यादा पता है। आई एम जस्ट फॉलोइंग हिम, गाइड करेगा भाई, गाइड करेगा कहाँ पे जाना कहाँ पे नहीं। मिठाई की दुकान है, ये मिठाई की दुकान है आपको दिख रही है। इस साइड धूप नहीं है ना इसलिए ठंड है। ये डोसा हट, ऑथेंटिक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट। और जो उस साइड शॉप है ना वो भी मतलब कि स्वीट वगैरह के, उस पर घी मिल जाएगा तो उस शॉप से घी जाके ले लेंगे। अभी पिछली बार मैं आया था तो इसी शॉप से लेके गया था, शालीमार डिलाइट। तो ये वाली यहाँ पे देखो सारा स्वीट्स वगैरह के आइटम मिल जाएंगे आपको। हेलो भाई कैसे हो? कैसे हो भाई? हेलो घी चाहिए भाई? वो बड़ा उसे आता है ना, अच्छे वाला कौन सा है? कितने का ये प्राइस? कैसे
देसी घी है ना? दो दे दो, दो किसके लिए दे रहे हो? एक दोस्त के लिए। और आटा भी मिल जाएगा फिर? जी हाँ, चक्की आटा होगा। आटे का क्या प्राइस है? 75। कैमरा है आपका? हाँ कैमरा है। आप कहाँ से वैसे? पाकिस्तान। पाकिस्तान से? आप भी पाकिस्तान से? तो कितने साल से है दुकान है आपकी? दुकान को तो 32 साल हो गए। 5 किलो हो रही है। रेड दुकान है इसका? ये अभी वाइड मोड में। अच्छा, मतलब इसको सुपर व्यू और हो जाता है, इसमें और ज़्यादा फिर एरिया जो है। ओके। तो अगर कोई भाई इस एरिया में रह रहा है, अगर किसी को आटा वगैरह घी वगैरह चाहिए तो भाई की दुकान पे आ सकते। भाई आपका नाम क्या है? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन, और आपका कोई कार्ड भी, मतलब अगर फ़ोन नंबर वगैरह कुछ नहीं? तो ये कार्ड है, आप कॉल कर सकते हो इनको अगर चाहो तो, कुछ पूछना है तो। ठीक है, और अभी ये सामान लिया, दो एक और ले लीजिए उसके लिए। मेरे को भी नहीं है, मेरा तो 10 हो गया, क्योंकि भाई क्या है कि कई दिन हो गया यार, रोटी के बिना पेट नहीं भरता यहाँ पे, और चावल ही चावल खाने को मिल रहे हैं। मैं इंडिया से हूँ भाई, ये भी इंडिया से आता है। बहुत अच्छा, एक जो घी है ना उसका उसमें कर देना, दोनों खा ले। नहीं मुझे, अरे ऐसे खाने के लिए दिया। ओके, ये एक घी का कैश में हो जाए आपका कार्ड से। काफ़ी अच्छा है, तो ढाका रसगुल्ला बहुत अच्छा है भाई, कैश में। अगर कुछ भी स्वीट्स वगैरह चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको, मतलब आपके पास क्या क्या आइटम मिल जाएंगे? हर चीज़। तो भाई बोल रहा है हर चीज़ मिल जाएगी, चरस के अलावा हर चीज़ मिल जाएगी। वो हम लेते भी नहीं है भाई, लेकिन जो चर्सी होंगे वो ढूंढ ही लेंगे अपने आप की कहाँ पे जाना है। तो ये मिक्स कर दोगे आप दो चीज़? जी। तो उसको आधा किलो में इसको ये वगैरह कुछ भी चाहिए सब, आटा घी तेल चावल मिठाई। तो इसका रेसिपी बारे थोड़ा सा इसका टेस्ट करवा देना, फिर मैं ये बोल देता हूँ। आप लोग तो पहले तो आप लोगों का टिकट चीप होगा ना, जॉब लगने के बाद चीप होता है, बिना जॉब कुछ नहीं होती। अभी तो घर वालों को पैसे जा रहे हैं। तो घर का ही पैसा तो पैसे मंगवा ही रहे हैं ना। वही चीज़ है। थैंक यू, थैंक यू भाई जान। चलो भाई शुक्रिया, थैंक यू भाई, ये ले जाना। नहीं ये नहीं बोलते। तो भाई जो आइटम वगैरह लेना था वो हो गया अपना कम्प्लीट, और अभी निकलते हैं। तो एल पिकन पे से कुछ सामान भी और लेना है, तो वो सामान और लेंगे जो बचता है। ठीक है, मैं भी कुछ टमाटर वगैरह सब्जी से रिलेटेड लेना है। देख उस साइड गाड़ी देखना, अगर कुछ भगवान से रिलेटेड चीज़ लेनी है तो स्वदेशी से मिल जाएगी, मतलब कि कुछ भी आपको अगरबत्ती धूप वगैरह कुछ भी चाहिए ज्योतबत्ती का सामान वो सब यहाँ से मिल जाएगा। और अभी घी जो मैंने लिया है वो 225 रैंड का है घी का डिब्बा, और जो आटे का 5 किलो का 70 रैंड का है। लेना था वो तो ले लिया, अभी पिकन पे जाके जो बाकी का सामान बचता है सब्जी वगैरह का वो लेंगे। ठीक है, क्योंकि रोटी होगी, सब्जी हो जाएगी साथ में, और घी हो जाएगा, और तुम्हारा भाई फिर निश्चिंत होके खाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं फिर खाने पीने में, क्योंकि आटा वगैरह आने से है ना, रोटी मेन है यार मेरे लिए, क्योंकि रोटी पेट भर देती है, और जो चावल वगैरह होता है ना उससे मेरा ऐसा रहता है कि पेट भी नहीं भरा और खा भी लिया। और चावल की मेरे को आदत भी नहीं थी, आज तक मैंने कभी चावल नहीं खाए थे। ठीक है, लाइफ में घर पे भी नहीं बनाते हम यार इतने, कभी कभार मतलब एक आध बार खीर बन गई ऐसे उसमें यूज़ करते हैं, वरना चावल भी घर पे बनाते नहीं है। तो ये सभी भाई रेस्टोरेंट हैं, इन पे आपको इंडियन ब्रांड वगैरह मिल जाएगा, मतलब इंडियन खाना वगैरह सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। तो इस साइड आपको ब्रिज दिख रहा, पता नहीं दिख भी रहा है नहीं, लेकिन
नाम है नेल्सन मंडेला ब्रिज। इसमें से एक दिन एक गाड़ी चाहिए भाई छोटी वाली मिनी कूपर। Z4 है ना ये? बहुत धन्यवाद। आज भाई की वजह से आटा वगैरह आ पाया है। मतलब कि हम महीने में दो अगर पढ़े तो अच्छे से निकाल सकते हैं। महीने में दो हाँ अच्छे से पढ़े, इतना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन फिर एक चीज़ ये भी बोलते हैं ना कि यहाँ पे स्लॉट नहीं मिल पाते हैं। स्लॉट अब प्रॉब्लम हो रहा है। पहले प्रॉब्लम था स्लॉट का, जब मेरा एग्जाम नहीं दिया था तब मुझे प्रॉब्लम नहीं आया था स्लॉट का, क्योंकि जब जाते थे नेक्स्ट वीक का डेट मिल जाता था। ओके, अभी शायद पूरा एक महीने के बाद मिल रहा है डेट सारा। तो अभी हम ये कर सकते हैं ना कि मतलब एक ही बारी में दो या तीन एग्जाम बुक करवाते हैं उस डेट में। तो यहाँ पे बोल रहे हैं भाई कि यहाँ पे मर्डर हुआ था। मर्डर इन द सेंस कि मतलब शॉप चोरी का, बंदूक की दुकान लेके चोरी हो गई, लूटने के उस पे आते हैं कई बार। आपके पास कुछ है मतलब आप डिनाई करोगे देने से तो भाई उड़ा भी देंगे, और अगर कुछ नहीं है तो चले भी जाएंगे। मतलब डिपेंड होते हैं मूड पे, चोर के मूड पे डिपेंड है। ओनियन, एक टमाटर छोक के लिए, दो मिर्ची होगी छोटी छोटी, मटर, फेटा मतलब कि ये पनीर आज बनाएंगे, मटर पनीर, चॉप बोर्ड, और मेरे को क्या लेके आना है, अच्छे से धोने भाई ये, ठीक है। इन दोनों को गर्म पानी में रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और ये आटा, इसमें ऑयल डालेंगे थोड़ा, ये आलू बचा हुआ था लास्ट टाइम का, जीरा डालेंगे छौंक के लिए, और अभी टमाटर डाल देंगे। हम भी अपना छौंक रेडी है भाई, पनीर काट लेंगे जल्दी से। अभी पनीर डाल देते हैं और इसको अब अच्छे से हिलाना है, ठीक है भाई। हिलाना का मतलब वो नहीं है, ये वाला हिलाना बोल रहा हूँ, थोड़ा गलत मत सोचना, आजकल बच्चे कुछ ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। हल्दी डालेंगे, थोड़ा करी पाउडर डालेंगे, थोड़ा हींग डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार, ये पाव भाजी मसाला डाल देते हैं, ठीक है। और ये सब्जी मसाला लास्ट में, इसमें पानी डाल देंगे, ठीक है पानी डाल देंगे ताकि आराम से डूब जाए नीचे की तरफ। मतलब रोटी के लिए आटा निकालता हूँ, आटे के लिए रोटी नहीं निकालनी। इसमें अपना नमक डालेंगे आटे में, और अपना डाल के पानी आटे में, इसको पहले तो थोड़ा थोड़ा डाल लियो, ठीक है, ताकि अचानक से ये बहुत पतला ना हो जाए। थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का, आई थिंक अभी लाइट आ रही होगी। और उसके बाद अच्छे से दे मुक्के मारना इस पर। ये अपना चकला बेलन, हाँ तो भाई ये वाली लास्ट रोटी अपनी, इसको डालता हूँ यहाँ पे। ये बताना लड़कियाँ अगर कमेंट करके कि ठीक बन रही है ना, यही ऐसी ही गोल होती है ना, या फिर उसके भी अलग गोल होती है भाई रोटी बनने के बाद। तब तक मैं इसको साफ वगैरह कर देता हूँ, जो बर्तन मेरे हैं उनको धो देता हूँ, ठीक है। बर्तन धो के सब्जी वगैरह डाल के अंदर बैठ के रूम में आराम से बात करता हूँ। देखो अच्छे से, मतलब कि दोनों तरफ एक रोटी पे घी लगाना है, उसके बाद दूसरी रोटी उसके ऊपर से ऐसे फेर देनी है, मतलब दोनों रोटी पे थोड़ी भी जगह नहीं है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं रोटी सुपर। अभी सब्जी और डाल लेता हूँ, ठीक है। सब्जी डाल लेता हूँ उसके बाद रोटी और सब्जी खा लूँगा। और अभी का टाइम कितना रखा वो दिखा देता हूँ, देख लो आपको दिख रहा होगा, मतलब 9 बजने वाले हैं, ठीक है। अभी रोटी खा के एडिटिंग करने बैठूंगा, 9, 10, 11, 11:30 तक मैं भी एडिटिंग होगी। 12 तक मैं आई थिंक 12 या 1 बजे तक मैं फ्री हो जाऊंगा, अपलोड करके इसकी वीडियो की डिटेल फिल करके सब कुछ फिल करके, ठीक है। और उसके बाद मैं सो जाऊंगा। तो
तो ये है। और एक कुछ गुड न्यूज़ आई है एक और आज, तो वो गुड न्यूज़ मैं भी कल बताऊँ शायद, ठीक है। तो कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, और कोई कुछ भी पूछना हो, कुछ भी क्वेरीज हो मेरे को यार, नीचे कमेंट करके बता दो कुछ भी चीज़ हो। या मैंने व्हाट्सएप नंबर भी देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, स्क्रीन पे भी दिख रहा है मेरे पास, मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, जो मर्जी है वो करो, और अपनी जो दिमाग के थॉट्स हैं उनको क्लियर करते रहो, ठीक है। सो आपका भाई यहाँ पे आपके लिए है, सो टेंशन नहीं लेने का, मैं हूँ ना, टेंशन मत लो, बस थोड़ा पैसे के लिए मत बोल देना, ठीक है। उसके अलावा सब सारी हेल्प हो जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ तो भाई ये हो गया है सब्जी रोटी, ठीक है, आप टेस्ट करके देखते हैं कैसे बनी है, आप बिलीव नहीं मानोगे, मतलब सच में इतने दिन के बाद सब्जी रोटी खा के ना घर की याद आ गई, और इतना अच्छा फील हो रहा है, मतलब मैं खुद से नहीं बता सकता, आप खुद देखो ना, अगर इतने दिन दूर रह रहे हो घर से और फिर खाना ट्राई कर रहे हो, मतलब कि हाँ दाल रोटी मिल रही है या फिर सब्जी रोटी मिल रही है, तो वो फील ही अलग होती है भाई, सच में मजाक नहीं कर रहा। सो मैं तो अपना खाना स्टार्ट करता हूँ, आपने तो खा लिया होगा, आप तो भाई खाने वाले हो, आप मुझे दुखी रहते हैं, ठीक है आपके लिए। सो मैं खाना खाता हूँ, और आज की वीडियो को इतना रखते हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, क्योंकि वही आपके लिए सब कुछ है यार, और उनके लिए सब कुछ आप हो, क्योंकि कल को वो यही चीज़ देखते हैं कि हमारा बच्चा सक्सेस हो जाए, ठीक है। सो अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर दियो, ये बात है, ठीक है। चलो आप क्लियर कट बोलते हैं, और वीडियो लाइक कर दियो जाते जाते, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, वंदे मातरम, जय हिंद गाइस।